तो यहाँ पर भी हमें एक गाय मिल चुकी है जो रास्ते में बैठी हुई है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप का टाइम वेस्ट और मनी भी दोनों बर्बाद कर रहा हूँ और हमारे पास इतना समय है नहीं कि। हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आए हुए हैं खटीमा। हमारा आज काम था खटीमा में, तो सारा काम अभी निपट चुका है। और ये रही खटीमा का व्यू आज। तो खटीमा में सुबह के टाइम भी काफ़ी, अभी 11 बजने वाले हैं, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा क्राउड है, जाम होने को होता है खटीमा। तो अभी हम जा रहे हैं चक्रपुर की साइड। अभी यहाँ खटीमा में एटीएम कार्ड के लिए पिन जनरेट करने के लिए आए थे, लेकिन अभी यहाँ के एटीएम कार्ड है जो मशीन है वो अभी यहाँ पे काम नहीं कर रही है वर्क, तो हमें चक्रपुर साइड जाना पड़ रहा है। हम भी निकलते हैं आगे की साइड। खटीमा मार्केट में काम तो अभी है नहीं, हम ये वाली रूट जाते हैं आराम से। आज काफ़ी मौसम साफ दिख रहा है, धूप भी निकली हुई है हल्की सी, लेकिन धूल बहुत उड़ रही है, मेरी आँखें पड़ रही है, दिक्कत हो रही है। तो यहाँ से खटीमा के जो भी गैजेट्स वाले होते हैं, फ़ोन वाले, यहाँ दुकान शॉप जो भी, तो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ कई सारी कंपनी के फ़ोन आपको मिल सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा कोई खटीमा में काम है नहीं, तो मैं सीधे चक्रपुर की साइड जाता हूँ। लेकिन भीड़ बहुत है आज सुबह के टाइम भी। अब आ चुके हैं हम टनकपुर हाईवे वाली रोड पे, तो यहाँ से हम चलते हैं। तो अभी हम टनकपुर की साइड जा रहे हैं। तो अभी हम चले टनकपुर की साइड, आप भी एंजॉय कीजिए। मेरी बाइक बंद हो गई है। तो यहाँ से टनकपुर की साइड हम जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम है। तो यहाँ पे ये वाली रूट पे हमें ड्राइव करते भी मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हमें भगवान को भी मिलता है बाइक को आराम से। और यहाँ पे क्या व्यू है, ठीक है। तो हम बहुत दिनों बाद मोटो ब्लॉग बना रहे हैं। हम डेली ब्लॉग नहीं बनाते हैं, टाइम इतना होता नहीं है, बस इंटरेस्ट है इसलिए बना लेते हैं। मैं भी सुबह का टाइम आया हूँ, अभी 11 बजे होंगे लगभग करीबन। तो यहाँ पर अभी जाम होने को है खटीमा, तो जाम लगता है, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता है। कई लोग इस साइड से आ रहे हैं दूसरी वाली रूट से, आगे नहीं ले जाता हूँ। तो इस साइड आपको ये टनकपुर वाली रोड पे KTM की बाइक का शोरूम मिल जाएगा। फिलहाल इस साइड है, सितारगंज वाली रोड में भी खुल चुका है, लेकिन अभी हम यहाँ से करते हैं वाइजर बंद। अब वॉइस देखना कैसी आती है। अभी हमने वॉइस वाइजर को बंद कर दिया है, तो अब देखते हैं वॉइस कैसी आएगी। तो यहाँ पे एकदम खुली खुली रोड है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, आप जितना भगाना चाहते हो भगा सकते हो। ये भगाने के लिए ये रोड सही है। और ये यहाँ पे देखिए गाय रोड में ही बैठी हुई है। तो ये अभी स्कूटी का शोरूम था और ये रहा KTM का शोरूम। और हमारे राइट साइड में हीरो का शोरूम है, आगे कार आती हुई। अभी हमने खाना भी नहीं खाया है सुबह के टाइम, सुबह से ही निकल गए थे। अब देखेंगे कहीं रुकते हैं कुछ खाने के लिए, आगे जो भी फूड फास्ट की दुकान मिलेगी, फास्ट फूड का ढाबा या जो भी रेस्टोरेंट वगैरह, उसमें ही रुकेंगे। आज है तो मंडे को काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि कई सारे लोग, बैंक में ही काम होता है,
तो कई लोग छुट्टी भी होती है संडे को, तो मंडे अपने ऑफिस वगैरह जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक गाय मिल चुकी है जो रास्ते में बैठी हुई है। तो यहाँ पे हमारा एक रिश्तेदार का भी घर है, जान पहचान वाले का, इसी विलेज पे, विलेज नहीं ये सिटी है, अमोंग सिटी। तो आज ड्राइव करते कुछ मेरे को अलग ही अनुभव हो रहा है, मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों बाद हमने मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो अभी ये आचार संहिता लग चुकी है, तो यहाँ पर जितने भी पोस्टर वगैरह हैं तो उनको सबको हटाया जा रहा है, जो भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सारे जो बैनर होते हैं उन्हें हटाया जा रहा है, तो मशीनों द्वारा हटाया जा रहा है। देखा भी कैसा बाइक वाला का, ये कार वाला कैसे चला रहा था थोड़ी देर पहले। तो मैं ज़्यादा तेज़ तो भगाता नहीं हूँ, क्योंकि नॉर्मल जितना कि मेरी ब्रेक लग सके। किसी समय हम डिस ब्रेक वाली बाइक लेंगे तब ज़्यादा भगाएंगे, इसमें डिस ब्रेक है नहीं। मैंने आपको कई बार बताया ब्रेक कंट्रोल रहता नहीं है, क्या पता हम तेज़ भगाएँ कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाए, तो हम ये नहीं चाहते। तो अभी हम अब आ चुके हैं नदननाग साइड, नदननाग से थोड़ा ही दूर बचा हुआ है चकरपुर। चकरपुर से पहले आता है कुटरी, तो कुटरी पे यहाँ पे जो हाईवे निकलेगी हम उसी साइड जा रहे हैं। ये वाली रूट मज़ा भी आ रहा है या एंजॉय, पर मैं अकेला राइडिंग कर रहा हूँ तो मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है जितना कि साथ वाले होते हैं। तो अभी इस समय 2022 के समय जो बाइक होती हैं कार होती हैं इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि खटीमा में ट्रैफिक लग जा रहा है। जब उस समय मैं 2015 के टाइम या 16 के टाइम आया करता था खटीमा, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगा था, और अभी तो काफ़ी ज़्यादा सब लोगों ने बाइक परचेस कर ली हैं। तो यहाँ पर ट्रेन की पटरी दिख रही हैं, तो लेकिन मैं जब भी आता हूँ मेरे को ट्रेन दिखती नहीं है जाते हुई, आपको राइट साइड में दिख रही होंगी। जब भी मैं मोटो व्लॉग पे होता हूँ, जब मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा था तो मैं डेली 10 बजे के टाइम 10:30 बजे के टाइम ट्रेन की आवाज़ सुनता था। जब मैं यहाँ से स्टडी कर रहा था, एक कोर्स कर रहा था बेसिकली, तो मैंने सर को परेशान करके रख दिया था और सर ने हमें परेशान करके रख दिया था, तो सर हमें काफ़ी ज़्यादा लिखवाते थे, 5-6 कॉपी दिया करते थे लिखवाने के लिए। मेरा मन नहीं करता था लिखने के लिए, चकरपुर में भी SBI बैंक है, तो अगर आप न्यू ATM कार्ड के लिए अप्लाई किया है आपको ATM कार्ड मिल जाता है, तो आपको सबसे पहले पिन जनरेट करना पड़ेगा, तभी आपका जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं तभी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी SBI बैंक है, खटीमा में जो ATM है SBI में गया था, तो यहाँ पर ATM कार्ड काम ही नहीं कर रहा था, सो सैड। खटीमा भी काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा उस साइड से आता हूँ, इस साइड से ही चकरपुर वाली रोड से। हम थोड़ा स्लो चलते हैं, आराम से मार्केट का व्यू देखते हैं। तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया इस साइड से आने में, चलाना पड़ेगा मेरे, मैंने अभी ध्यान ही नहीं दिया था, पीछे से चार पहिया वाला आ रहा था बिग मैजिक, वो मेरे पास से ही ले गया, मैं पता नहीं कहाँ देख रहा था। ये हाईवे के साइड है, थोड़ा संभल के चलाना पड़ता है यार, मेरे को आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है क्योंकि मैंने हेलमेट लगा रखा है। तो ये रहा चकरपुर का पेट्रोल पंप, और एटलीस्ट तैयार हो ही चुका है, तो एक महीने में
स्टार्ट हो सकता है पेट्रोल मिलना। तो अब हम यहाँ से ही आगे से घर की साइड जाएंगे। ये चक्रपुर एरिया में मैंने काफ़ी बार घूमा है, हर हफ्ते में ही घूमते रहता हूँ इस रोड में। और जंगल की तरफ भी एक रोड है, तो हम वहाँ से भी मन होता है तो उस साइड से जाते हैं। तो अभी हम यहाँ से अपना वाइजर ओपन करते हैं। व्यू तो काफ़ी अच्छा आ रहा है अभी। तो अब हम चले अपने फ्रेंड के पास। मेरा फ्रेंड का कॉल आया था आज, तो हम उसी साइड जा रहे हैं। आज मेरा फिर से मूड ऑफ हो गया, मैं दो और खटी मामा खा लिया, ऐसे ही चक्कर लगाया। जिस काम से आया था वो काम तो हुआ ही नहीं। जब भी मैं खटी मामा आता हूँ तो कुछ ना कुछ खा लेता हूँ, या कुछ मेरे को सामान पसंद आ जाते हैं तो कुछ बाय कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप का टाइम वेस्ट और मनी भी दोनों बर्बाद कर रहा हूँ। और हमारे पास इतना समय है नहीं कि टाइम अब वेस्ट करें। अब हमें कुछ स्टडी भी करना है, कुछ बनना भी है। अभी इस समय इतना ज़्यादा तेल महंगा हो चुका है, तो पहले तेल सस्ता था पेट्रोल, तो मैं और भी ज़्यादा डलवाया करता था बाइक पे। 1000 रुपये का हफ्ते में खर्च कर दिया करता था। या अब मैं थोड़ा कम चलाता हूँ बाइक वगैरह, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, अब तो अपनी जेब से डलवाना पड़ता है, तो अपने भी कई खर्चे हैं। मेरा मंथली खर्चा 5 से 7 हज़ार हो जाता है, कभी ज़्यादा भी कभी कम भी। 2500 के करीब मेरा पेट्रोल ही फट जाता है गाड़ी पे, और 2500-3000 रुपये मैं खर्च कर देता हूँ, कभी 7000 के आगे भी पहुँच जाता है। तो मैं पहले जैसे रुपए भी खर्च नहीं करता हूँ, पहले तो मैं और ज़्यादा रुपए खर्च करता था। मैंने यहाँ पे एक दिन स्कूल आया था, एक दिन पढ़ने के लिए ये विलेज वाले स्कूल पे, फिर मेरे को ठीक नहीं लगा, एडमिशन तो करा लिया था, फिर मैं गया ही नहीं दोबारा। मेरे नाम स्कूल चेंज करने के रिकॉर्ड हैं, जो मेरा रिकॉर्ड अभी कोई तोड़ ही नहीं सकता। जितना कोई अपनी गर्लफ्रेंड चेंज करता है, मैं उतने सारे स्कूल चेंज किए हैं पढ़ने के लिए।